हिंदुस्तान एकता मिशन के तत्वावधान में रविवार को खेल महोत्सव का आयोजन हिंदू इंटर कॉलेज में किया गया, जिसमें दौड़, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। रविवार को हिंदुस्तान एकता मिशन के तत्वावधान में एक खेल महोत्सव का आयोजन हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में किया गया, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के प्रतियोगियों ने भाग लिया। खेल महोत्सव का शुभारंभ कुश्ती संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष कमल किशोर वाशने ने दौड़ प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर किया। हिंदुस्तान एकता मिशन के नितिन तोमर ने बताया कि कार्यक्रम में वेट लिफ्टिंग में 50 किलो से 240 किलो तक के प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जिनको नगद राशि एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं कमल किशोर वाशने ने कहा कि ऐसी खेल प्रतियोगिताओं से युवाओं में उत्साह बढ़ता है। खेल महोत्सव का कार्यक्रम बड़े जोर शोर से युवा नौजवान साथियों के द्वारा, युवा नौजवान खिलाड़ियों के द्वारा यहाँ सम्पन्न किया जा रहा है, जिसमें दौड़ प्रतियोगिता, वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता और बॉक्सिंग प्रतियोगिता यहाँ चल रही है, और सभी विजेता खिलाड़ियों को नगद राशि और ट्रॉफी देकर भी सम्मानित किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में हिंदू एकता मिशन के सभी ऊर्जावान नौजवान साथी, गोल्डन क्रिकेट क्लब के भी इसमें पत्रकारी और साथी मेरे को नजर आ रहे हैं, मैं सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। खेल में चल रही बॉक्सिंग प्रतियोगिता बहुत ही देखने योग्य रही, जिसमें मुकाबला कोसी के युवक एवं हरियाणा के गांव बंजारी के युवक के बीच हुआ, जिसमें बंजारी के युवक का प्रदर्शन अपने आप में बहुत ही सराहनीय रहा। वहीं उन्होंने कहा कि कोसीगला में जल्द ही एक स्टेडियम का निर्माण सरकार के प्रतिनिधियों से मिलकर कराया जाएगा। चंद्रपाल है।